मूवी के स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को खेत में भागते हुए देखते हैं और थोड़ी देर भागने के बाद वो गिर जाती है। और यहाँ हम तीन लड़के को देखते हैं जो उस औरत को नाइफ देते हुए कहते हैं, हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। ये सुनने के बाद वो औरत किसी और को भी वह देखती है, जिसे एज एन ऑडियंस हम नहीं देख पाते। वो औरत उनसे नाइफ ले लेती है और मारी बच्ची को ना मारो कहते हुए अपने पेट को काट देती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मूवी की मेन लीड साक्षी को देखते हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट औरत है। साक्षी अपने एनजीओ के बाहर अपने हस्बैंड हेमंत का वेट करते हुए कुछ छोटे लड़कों को खेलते हुए देख रही थी कि इतने में ही वो नोटिस करती है मुस्कान नाम की एक छोटी सी लड़की भी उन लोगों को खेलते हुए देख रही थी। साक्षी मुस्कान को उन सब को ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन मुस्कान बताती है कि क्योंकि वो लड़की है तो वो लोग उसे अपने साथ खेलने नहीं लेंगे। साक्षी ये सुनकर उन बच्चों को बुलाती है, वो बच्चे भी सेम बात बोलते हैं और उनका कहना था कि अगर खेलते हुए मुस्कान को चोट लग गई तो वो रोएगी। साक्षी उन लोगों को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो लोग मुस्कान के साथ खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम साक्षी के हस्बैंड हेमंत को देखते हैं और फिर वो दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं। हेमंत के ऊपर ढेरों कर्जा है जो वो चुका नहीं पा रहा था और इसीलिए कुछ गुंडे आकर उसको मारते भी हैं और 24 घंटे के अंदर कर्जा चुकाने के लिए कहते हैं। इस बात से डरकर अपने और अपने हस्बैंड की सलामती के लिए साक्षी सिटी से कहीं दूर जाने की बात करती है, जहां वो गुंडे उन तक ना पहुंच पाए। तभी हेमंत अपने ड्राइवर कजला को बुलाता है और वो उन्हें अपने साथ अपने विलेज में जाने के लिए कहता है, क्योंकि ना तो उस विलेज में कोई आता जाता है ना ही ज्यादा लोग उस विलेज में रहते हैं। कुल मिलाकर बस 5 ही घर हैं। वो लोग उसी वक्त विलेज के लिए निकल जाते हैं और सुबह तक पहुंच भी जाते हैं और कजला खेत के बाहर गाड़ी रोककर आगे की रोड उन्हें पैदल चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि खेत के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। दोनों उस खेत से घर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस खेत में भटक जाते हैं और कुछ देर घूमते हुए साक्षी थक जाती है तो हेमंत उसे वही बिठा कर खुद घर ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन शाम तक जब वो नहीं आता तो साक्षी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी देर बाद उसे एक घर मिलता है और वहाँ जाते ही उसे हेमंत की आवाज़ सुनाई देती है। वो हेमंत की आवाज़ को फॉलो करती है और तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कहती है कि वो कजला की वाइफ भानु देवी है, जो अपने पति के कहने पर उनका ख्याल रखने के लिए आई है। शाम होती है और सब मिलकर खाना खाते हैं और साक्षी भानु देवी से पूछती है कि उस घर के पीछे जो कमरा है वो किसका कमरा है। तब भानु देवी कहती है उस घर में उसका देवर योगेश्वर रहता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद अब उस कमरे में कोई भी नहीं रहता। दूसरे दिन साक्षी उस पीछे वाले कमरे में जाती है और उसे कमरे से सीधा खेत की ओर जाने वाली एक रास्ता दिखाई देती है और वो उस रास्ते में चल पड़ती है और चलते चलते एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां पर हेमंत आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। रात को हेमंत साक्षी से कहता है कि वो और कजला एक दिन बाद सिटी में जाएंगे पैसों का जुगाड़ करने और इस बात से साक्षी नाराज हो जाती है और वो भी साथ जाने की जिद करती है। लेकिन हेमंत कहता है उसे इस हालात में सिटी नहीं जाना चाहिए और वो भानु देवी के साथ ही वहाँ रुक जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका पिछली रात की बात से मूड ऑफ था और भानु देवी ये समझती है कि वो परेशान है और उसे कंफर्ट करने के लिए उसे बातें वगैरह करती है। और फिर भानु देवी साक्षी को एक स्टोरी सुनाती है जो कि एक चालाक कौए की थी। वो कौआ एक ट्री पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है और उसकी हिफाजत करता है, लेकिन कुछ दिन बाद उस ट्री पर एक सांप आता है। उस सांप के जहर से वो हरा भरा ट्री सूखने लग जाता है और देखते ही देखते वो ट्री बंजर हो जाती है, जिसके बाद वो सांप कौए के अंडे खाने लग जाता है। कुछ दिन बाद यहाँ एक मैना ने एक घोंसला बनाया। मैना अपने घोंसले में अंडे देती है, जिसे बड़ी चालाकी से कौआ अपने अंडों से बदल देता है और नेक्स्ट डे वो सांप मैना के अंडे खा जाता है और कौए के अंडे बच जाते हैं। अब साक्षी सोचने लग जाती है कि भानु देवी ने उसे ये कहानी क्यों सुनाई। इसके बाद साक्षी भानु देवी के साथ पूरा दिन अच्छे से बिता लेती है। वही
ही रात को हम देखते हैं हेमंत और साक्षी बात कर रहे थे और यहाँ हमें पता चलता है कि हेमंत बेटे की उम्मीद है, लेकिन साक्षी कहती है कि बेटा हो या बेटी वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। नेक्स्ट डे साक्षी सुबह एक औरत को लकड़ियाँ तोड़ती हुई देखती है और वो औरत और कोई नहीं वही थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। साक्षी उससे कुछ बात कर पाती इससे पहले भानु देवी वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो उसके बेटे राजवीर की वाइफ रानी है और जब वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तब उसने अपने बच्चे को एक एक्सीडेंट में खो दिया, जिसके बाद राजवीर भी सिटीज चला गया और उसके जाने के बाद रानी को भी गहरा सदमा लगा और वो अभी किसी से बातचीत नहीं करती है। देन साक्षी नोटिस करती है कि भानु देवी रानी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रही थी। वही रानी साक्षी को ऐसा देख रही थी जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाहती है। शाम को भानु देवी के जाने के बाद साक्षी को मेन डोर में नॉक की आवाज आती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए वहाँ जाती है वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वही वो मुड़कर जब देखती है तो दोबारा उसे नॉक की आवाज आती है और इस बार उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो फिर छुप जाता है और दूसरी बार एक और बच्चा दिखाई देता है। ऐसे ही 3 बच्चे होते हैं जो मान लो साक्षी के साथ लुका छुपी खेल रहे हो। तभी भानु देवी वापिस आती है और साक्षी जब उन्हें उन बच्चों के बारे में बोलती है तो भानु देवी उसे उन बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे सुबह साक्षी को फिर वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं और जब साक्षी उन बच्चों के पीछे जाती है तो उसे पीछे के कमरे के दरवाजे के सामने एक रेडियो दिखाई देती है जिसमें कोई औरत गाना गा रही थी। वो बच्चे उसके साथ फिर लुका छुपी का खेल खेलने लगते हैं और तभी वहाँ पर भानु देवी आ जाती है और साक्षी के हाथ में वो रेडियो देखकर काफी गुस्सा करती है और वो रेडियो फेंक देती है, जिसके बाद साक्षी और भानु देवी के बीच झगड़ा हो जाता है और जहाँ भानु देवी उसे कहती है कि तेरे पति को तुझसे बेटा चाहिए था लेकिन तेरे अंदर तो एक बेटी पल रही है। इस बात पर साक्षी बेहद नाराज हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। रात को जब हेमंत वापस आता है तो साक्षी उसे सब कुछ बता देती है और वहाँ से जाने की जिद करती है और दोनों उसी रात वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से हेमंत को कोई बार करता है और वो और कोई नहीं बल्कि कजला था और भानु देवी भी पीछे से आकर साक्षी को क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर देती है। साक्षी को जब होश आता है तो वो खुद को एक हवन में बैठा हुआ पाती है और उसके कपड़े भी चेंज हो चुके होते हैं, जिसके बाद भानु देवी साक्षी को बेड पे लेटा कर उसे बांध देती है और उसे कहने लगती है कि कुछ साल पहले उसके देवर योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। उस टाइम भानु देवी के 4 बच्चे थे, 3 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा राजवीर जो अब शहर में रहता है, और बाकी 3 छोटे बच्चे वही थे जो साक्षी के साथ खेल रहे थे। वो 3 छोटे बच्चे सुनैनी के काफी करीब हो गए थे और इस बात से भानु देवी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और एक दिन जब उस बारे में योगेश्वर से भानु देवी कहती है तो योगेश्वर सुनैनी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सुनैनी इस बारे में कुछ भी नहीं समझती और योगेश्वर पर चाकू से हमला कर देती है। और दैट टाइम सुनैनी 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वो खुद भी कुएं में कूद जाती है और उसके साथ साथ वो 3 बच्चे भी कुएं में कूद जाते हैं और मर जाते हैं, यानी कि वो 3 बच्चे असल में भूत थे। कुछ साल बाद भानु देवी ने अपने बड़े बेटे की शादी करवाई रानी से, बट रानी जब 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तो उस दौरान रानी पर सुनैनी ने बश कर दिया और उसका बच्चा भी मार दिया। इसके बाद राजवीर की 2 और बार शादी करवाई गई बट हर बार वही हुआ, वो दोनों पत्नी भी मारी गई। लेकिन 4थी बार उन्होंने राजवीर की शादी करवाई सिटी में और अब वो भी साक्षी के जैसे 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। और पंडित जी के अनुसार अगर कोई 8 मंथ प्रेग्नेंट वोमेन उनके घर में 3 दिन और 3 रात सही सलामत बिताए पाए तो उनके घर से सुनैनी का पूरा साया टल जाएगा और सिटी में भी राजवीर की पत्नी भी सुरक्षित रह पाएगी। तो अब साक्षी को कौवे सांप और मैना वाली स्टोरी का मतलब समझ में आ गया था। नेक्स्ट डे जब साक्षी की आँख खुलती है तो वो हेमंत को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे फिर वही रेडियो दिखाई देती है और वो डर के मारे घर के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जाते ही उसे वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेट में छोटी बच्ची है ना, हमने आज तक छोटी बच्ची नहीं देखी, वो लोग इसे भी ले जाएंगे। तभी बाहर से एक औरत आती है जो उन बच्चों से कहती है कि वो छुप गए कि नहीं। तभी वो बच्चे साक्षी से कहते हैं उनकी छोटी माँ यानी सुनैनी आ गई है, तुम हमारे साथ खेलोगी, ये कहकर वो बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं और साक्षी उनके पीछे चल पड़ती है। साक्षी उन तीनों को भागते हुए देखती है और उनके पीछे वो एक लेडी को भी भागते हुए देखती है जिसे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। साक्षी उनके पीछे चलते
चलते एक कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां वो उन तीन बच्चों को कुएं के ऊपर खड़ा हुआ देखती है। वो तीनों साक्षी के पीछे इशारा करते हुए छोटी माँ कहते हैं और एक औरत भागते हुए उस कुएं के अंदर कूद जाती है। एंड देन वो तीन बच्चे भी कुएं के अंदर कूद जाते हैं। साक्षी कुएं के अंदर जागती है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। साक्षी इसे बस अपने मन का वहम समझ कर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, बट साक्षी को सही रास्ता नहीं मिलता। वो घूम फिर कर सेम जगह पर आ जाती है। ऐसा करते करते शाम हो गई थी, वो काफी थक जाती है। इतने में ही उसे पास से भानु देवी की आवाज आती है, जो कि अपने बेटे राजवीर से किसी को ढूंढने की बात कर रही थी। इसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम पे जाकर छुप जाती, और सरप्राइजिंगली आज ये रूम खाली नहीं थी और यहाँ चेयर्स वगैरह पड़े हुए थे। साक्षी उन्हीं में से एक चेयर के पीछे छुपने की कोशिश करती है, बट वो लोग यहाँ आ जाते हैं। वो लोग साक्षी पर मिट्टी तेल छिड़क कर उसे भी जिंदा जला देते हैं, बट अचानक ही ये सब गायब हो जाता है और साक्षी रियलाइज करती है कि उसे किसी तरह के विजन आ रहे थे और ये रूम असल में बिल्कुल खाली था। एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि साक्षी के बगल में ऑलमोस्ट बर्न औरत उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। साक्षी डर के फिर से भाग जाती है, बट ये बस वेस्ट ऑफ टाइम था, क्योंकि हर बार वो घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच। ऐसा कई बार करने के बाद वो फेंट होकर गिर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि पिछली शाम से उसने कुछ नहीं खाया था, जो कि उसके बच्चे के लिए हार्मफुल है। इसलिए वो रूम के अंदर जाकर जो भी उसे मिलता है उसी को खाकर वो अपना पेट भरती है। हाथ मुंह धोते वक्त उसे वही बच्चे अपने पीछे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो उनके पीछे जाती है। यहाँ वो उनकी छोटी माँ यानी सुनैनी को भी देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती है। सुनैनी उन बच्चों से बहुत प्यार से पेश आ रही थी और वो बच्चे पूछते हैं कि क्या उसके पेट में छोटी बच्ची है, अगर है तो कैसी दिखती है। सुनैनी उन्हें बताती है कि छोटी बच्ची बिल्कुल बड़ी की तरह है। उनमें से एक बच्चा ये कहता है कि क्या वो लोग इस छोटी बच्ची को भी ले जाएंगे। तब सुनैनी कहती है कि नहीं, मैं अपनी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तब वो बच्चे उसे हौसला दिलाते हैं और कहते हैं कि हम इस बच्ची की हिफाजत करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वगेश्वर यहाँ डंडा लेकर आता है और सुनैनी को मारता है। तब वो बच्चे सुनैनी को एक चाकू देते हैं ताकि वो अपना बचाव कर सके, और वो बच्चे वगेश्वर के पाँव से लिपट जाते हैं कि वो उनकी छोटी माँ को ना मारे, पर इस वजह से वो फिसल जाता है और चाकू पे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सुनैनी फौरन बच्चों को भगा देती है कि तभी भानु देवी वहाँ पे आ जाती है और सुनैनी को ऐसे हालात में देखकर उस पर अपने पति को मार देने का इंजाम देती है। इसके बाद अचानक सब साक्षी के सामने से गायब हो जाता है और सुनैनी अपने हाथ में चाकू लेकर एक औरत को ऑफर करती है। इस पॉइंट पर हमें मूवी का ओपनिंग सीन वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ रानी चाकू से अपना पेट काट लेती है। इसके बाद दो और औरतें भी वैसे ही अपना पेट काट लेती है। इसके बाद साक्षी को भी चाकू ऑफर करती है। तब साक्षी रोती हुई कहती है कि मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी, और ऐसा कहते ही सुनैनी वहां से गायब हो जाती है। रात को साक्षी जब सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे पीछे वाले कमरे में आग जलते हुए दिखाई देती है। वहां जाकर उसे ऐसा फील होता है कि एज इफ वो खुद भी जल रही थी, और वो जमीन पर गिर जाती है और उसके साइड पर हम एक जली हुई औरत को भी उसकी तरह स्क्रीम करते हुए देखते हैं। साक्षी बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद आँख खुलने के बाद वो अपने बगल में एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को देखती है, जिसके साथ वो तीन बच्चे आकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह साक्षी को अपने सामने भानु देवी दिखाई देती है, जो उसके सामने बताती है कि साक्षी ने एक लड़की को जन्म दिया है और राजवीर उसके बच्चे के साथ खेल रहा था। साक्षी बाहर भागती है और उसे कुएं के पास राजवीर उसके बच्चे के साथ दिखता है। पास ही में परा कजाला उसे कहता है कि इस सैक्रिफाइस के बाद उनकी फसल अच्छी होगी, और तभी राजवीर साक्षी के बच्चे को कुएं में फेंक देता है। तभी साक्षी को होश आता है, जहां वो अभी भी प्रेग्नेंट थी, एंड दिस वाज अगेन सम काइंड ऑफ विजन। साक्षी को तभी सुनैनी की लोरी की आवाज आती है और उसे वो तीन बच्चे भी दिखाई देते हैं, और सुनैनी के आने पर वो वही पर बैठ जाती है। ये सीन एग्जैक्ट मूवी के ओपनिंग सीन जैसा होता है, जहाँ पर साक्षी भी उसी तरह बैठ जाती है और वो तीन बच्चे भी उसे वही चाकू देते हैं। साक्षी अपनी बच्ची को मारने से मना कर देती है, लेकिन तभी सामने से सुनैनी की घोस्ट आ जाती है, जो साक्षी को काबू करके उसके पेट पर चाकू चलवाने लगती है। इसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट डे उसकी तीन दिन और तीन रात पूरी हो जाती है। देन वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। देन साक्षी डरती नहीं और उन्हें एक कहानी सुनाने लगती है। एक्चुअली साक्षी को सब सच पता चल चुका था
और यहाँ हम वो सीन वापस देखते हैं जहाँ साक्षी सुनैनी को बताती है कि वो जान चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके साथ जो भी बुरा हुआ है वो उसे सबके सामने लाएगी, उसके हत्यारों को सजा दिलाएगी और एक चांस मांगती है। देन सुनैनी मान जाती है। बैक टू प्रेजेंट साक्षी बताती है कि सुनैनी के साथ क्या हुआ। दरअसल कजाला की फैमिली एक कुप्रथा के चलते हर साल एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि फसल अच्छी हो सके। सुनैनी जब प्रेग्नेंट थी तो वो भी उसे उसके बच्चे को मार डालने के लिए कहते हैं, पर सुनैनी साफ मना कर देती है। तब वही सीन के बारे में साक्षी कहती है जब एक्सीडेंटली योगेश्वर मर गया था। तभी भानु देवी आती है और उन्हें लगता है सुनैनी ने अपने पति को मारा। तभी वो अपने बेटे और पति को सब कहती है और सुनैनी भागकर पीछे वाले रूम में चली जाती है। वह वही सीन हम देखते हैं जो साक्षी के विजन में आया। वो लोग सुनैनी को जला देते हैं और उसकी बच्ची को कुएं में डाल देते हैं और आधे जले हुए सुनैनी भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है और वो तीनों बच्चे भी अपनी छोटी माँ और अपनी बहन को बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं। इसके बाद कजाला और भानु देवी अपने बेटे राजवीर की शादी रानी से करवाते हैं, जिससे सुनैनी ने सब कुछ बता दिया और देन सुनैनी ने उसको कंट्रोल करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहा, नहीं तो वो लोग उस बच्ची को भी अपने कुरुपता के चलते सैक्रिफाइस कर देते। सेम चीज राजवीर की दूसरी पत्नियों के साथ भी हुआ। नाउ हमें स्टोरी की सबसे शॉकिंग पार्ट पता कि राजवीर कौन है, क्योंकि उसके विजन में उसने राजवीर को देख लिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि राजवीर और कोई नहीं हेमंत था। दैट्स ट्रू कि हेमंत ने साक्षी को फंसाया और जब साक्षी 8 months की प्रेग्नेंट हो गई थी तब वो साक्षी को अपने विलेज में लेके आया। राजवीर साक्षी को कहता है कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो लोग उसे रानी की तरह छोड़ देंगे, बट अगर वो नहीं मानेगी तो उसे भी मार दिया जाएगा राजवीर के बाकी दो बीबियों के जैसे। साक्षी किसी की परवाह किए बगैर यहाँ से जाने के लिए चलना स्टार्ट कर देती है और हेमंत उसे मारने के लिए दौड़ता है और फाइनली रानी जो इतने सालों से छुप थी वो हेमंत को मार देती है, जिसके बाद वो कजाला और भानु देवी को मारने के लिए भी दौड़ती है। साक्षी बाहर जाने का दरवाजा देखती है और वो तीन बच्चों की घोस्ट यहाँ आकर बाहर जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद हम रानी को भी साक्षी के साथ जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी जितनी इंटरेस्टिंग थी उतनी ही मीनिंगफुल। अब मैं आप लोगों को कहूंगी इस मूवी से मिलने वाले सोशल मैसेज के बारे में। एक्चुअली ये फिल्म हमें हमारी बैकवर्ड सोसाइटी का कड़वा सच दिखाती है, जहां बेटी का जन्म आज भी अपशगुन माना जाता है। दैट्स व्हाई उसके पैदा होते ही या फिर गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है। बहुत से विलेज में आज भी ये सब कुप्रथाओं का पालन किया जाता है। एक और चीज जो इस मूवी में अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया गया था वो ये है कि औरतों को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि सालों से औरत बहुत कुछ सहती आ रही थी। अगर सब एक साथ आकर अपनी बेहतरी की तरफ कदम उठाएंगी तो उनके साथ अच्छा होगा। अब भानु देवी को देख लो, वो खुद औरत होकर औरतों को नीचे खींच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। और दूसरी तरफ रानी जो कि साक्षी की हिम्मत को देखकर खुद में भी हिम्मत लाती है एंड देन वो फाइनली फाइट करती है। दैट्स वाई ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।